Welcome students. In the last lecture we have already completed about the ecosystem. Ecology का second chapter हम लोगों ने complete किया जो ecosystem से related था last period के अंदर वो ख़त्म हुआ है. NEET के अंदर अगला chapter जो ecology जो इस block के अंदर third chapter हमारा जो दिया हुआ है वो है biodiversity and their conservation. सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है what is the meaning of biodiversity. Bio means living organism and diversity means differences which are observed in different types of living organism. तो biodiversity का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर क्या है, different types of living organism living in the world they show diversities and differences in their body, उसी को कहा जाएगा that is called as diversity, biodiversity कहा जाएगा. दुनिया में different types of living organism हैं, वो plant भी हैं animal भी हैं. अगर हम plant को भी देखते हैं तो basically 5 different types of plants are present, algae, bryophyta, pteridophyta, फाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. फिर हर एक के अंदर जब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं हर एक के अंदर और ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर पाई जाएगी. तो यहाँ पर इस तरीके से अगर देखा जाए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर तो अलग अलग डाइवर्सिटी है. अब सिर्फ अगर प्लांट्स को हम ले लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी वराइटीज़ यहाँ पर जो है पाई जाती हैं. इसी तरीके से अगर एनिमल को हम यहाँ पर देखते हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन 11 के टॉपिक के अंदर है, यहाँ पर प्लांट भी था उसी के अंदर. 11 के टॉपिक के अंदर एनिमल के भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया दिया हुआ है. बेसिकली एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. फिर नॉन कॉर्डेट उसके अंदर 10 फाइलम्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, 10 फाइला के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. फिर कॉर्डेटा के अंदर यहाँ पर हम आते हैं, उसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन होते होते एडवांस टाइप ऑफ जो एनिमल होते हैं उनको वर्टिब्रेटा, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी एक टाइप होती है. फिर वो वर्टिब्रेटा के अंदर देखा जाएगा वो पाइसेस हैं, फिर उसके बाद एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एओज हैं, मेमेलिया हैं. तो देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जब उनकी डीप स्टडी करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस, अलग अलग कैरेक्टर की बुनियाद पर उस एक ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज यहां पर पाई जाती हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस दे शो डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे शो डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और इन देयर केमिकल, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट होता है, इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी. यहां तक कि हम देखते हैं अगर ट्विन्स हैं, जुड़वा भी हैं, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस हर हाल में वहां पर जो है मौजूद रहेंगे. तो इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी. टॉपिक का दूसरा हिस्सा जो हमारे सामने है वो है यहां पर कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, महफूज करना, सेफ करना. क्योंकि आज हम देख रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम ह्यूमन का होता है. ह्यूमन क्या समझता है, दुनिया के अंदर रहने का हक उसी का है, हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ ऑल द क्रिएचर्स यहाँ पर उसको कहा जाता है. जितनी भी मखलूक खुदा ने बने सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व टाइप हैं ह्यूमन बींग, तो यहीं पर रहने का, ज़मीन पर रहने का हक उसी का है. तो आज हम देखते हैं प्लांट्स को कट कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एनिमल्स को ख़त्म कर रहा है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट और एनिमल उनकी जनरेशन ही ख़त्म हो चुकी है, वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. उनका जो है यहाँ पर हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर इंसान की पॉलिसी क्या होना चाहिए, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो जीने दो, ये पॉलिसी हमारी होना चाहिए. तो आज यही नीड है, ये आज हमारी ज़रूरत है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो है कंजर्वेशन, उनका प्रिजर्वेशन यहाँ पर होना चाहिए. तो कंजर्वेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं, चैप्टर के आफा यहाँ पर लास्ट हाफ पार्ट के अंदर हम उसका भी यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन करेंगे. अब यहाँ पर हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के एक बेस्ट एग्जाम्पल, हमारे अर्थ सर्फिस है. ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व
गैदर्ड ऑन आवर अर्थ सर्फेस। अगर हम कहीं दूर जाना नहीं है, अगर पूरे वर्ल्ड को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ ऑब्जर्व ऑन आवर अर्थ सर्फेस। हमारी ज़मीन के ऊपर ही बहुत सारी वराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर भी बहुत सारी वराइटीज़ हैं, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी इज़ आवर अर्थ सर्फेस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर चैप्टर बहुत ईजी है लेकिन आपको यहाँ पर याद करने का काम जो यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, कितनी स्पेसीज़ हैं, कितनी वराइटीज़ हैं, किस ईयर के अंदर यहाँ पर IUCN इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से ईयर में क्या डिक्लेयर किया, वो थोड़ा सा आपको जो है तवज्जो देना है। तो यहाँ पर बताया गया है 20,000 स्पेसीज ऑफ ऑर्किड दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब यहाँ पर देखा गया है तो ऑर्किड विच इज़ द वराइटी ऑफ प्लांट बॉडी जिसको हम कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट बॉडी या वांडा प्लांट बॉडी कहा जाता है, दीज आर द प्लांट बॉडी विच आर ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द लार्ज ट्री। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस के ऊपर ये प्लांट्स जो है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर यहाँ पर देखा जाता है तो ऑर्किड रेयर केसेस में ये प्लांट दिखाई देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी नियर अबाउट 20,000 स्पेसीज ऑफ ऑर्किड दैट हैव बीन ऑब्जर्व ऑन द अर्थ सर्फेस। जमीन के ऊपर जब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो तकरीबन 20,000 डिफरेंट वराइटीज यहाँ पर जो उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 20,000 स्पेसीज ऑफ एंट्स, ये भी वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। चींटियाँ जो होती हैं, मुंगी जो होती है, उसकी तकरीबन 20,000 वराइटी है। दो तीन किस्म की यहाँ पर एंट्स हम देखते हैं हमारे इंडिया में, हम या हमारे यहाँ पर जो हमारे एरिया के अंदर दो तीन टाइप के यहाँ पर जो एंट्स मौजूद होती हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अगर यहाँ पर स्टडी की जाए तो तकरीबन 20,000 स्पेसीज ऑफ एंट्स यानी चींटियाँ ही हैं, लेकिन यहाँ पर 20,000 किस्म की चींटियाँ वर्ल्ड लेवल पर जो है यहाँ पर पाए जाते। कितनी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी इनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर 300,000 स्पेसीज ऑफ बीटल्स, ये जो इंसेक्ट के अंदर इनका शुमार होता है, तकरीबन 300,000 अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पर इनके अंदर स्पेसीज पाई जाती हैं। और लास्ट में 28,000 स्पेसीज ऑफ द फिशेस, मछलियाँ दो चार पाँच टाइप, 10-20 टाइप की हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर स्टडी की जाती है तो दुनिया में जो मछलियों की वराइटीज़ यहाँ पर पाई जाती है वो वराइटीज़ जो फिशेस की जो वराइटीज़ होती हैं वो तकरीबन यहाँ पर 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस दैट आर प्रेजेंट। तो इसके ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कुछ मिसालें हम यहाँ पर देखते हैं तो कितनी डिफरेंट वराइटीज़ यहाँ पर जो है पाई जाती हैं। तो अवर अर्थ सरफेस दैट इज़ द मेन सेंटर फॉर स्टडी द बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी जो यूज़ की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्मिनोलॉजी वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाई एडवर्ड विल्सन ही इज़ called as पायोनियर ऑफ द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इसको भी आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड विल्सन इसने सबसे पहले जो यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, कोई खास टर्मिनोलॉजी इसके पहले नहीं थी, हाँ भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, लेकिन उसको ये तमाम जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसको एक टर्म के अंदर यहाँ पर जो इकट्ठा कर देना, तो एडवर्ड विल्सन ने यहाँ पर टर्म बायोडाइवर्सिटी को जो है यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये हो जाता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर ये चंद एग्जांपल्स के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर जो है वराइटीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं उसको हमने देखा है। अब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं देखना है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस तरीके से तीन टाइप जो है, तीन तरीकों से इसकी स्टडी जो है तीन तरीकों से उसकी स्टडी की जा सकती है। पहली जो स्टडी है, पहली टाइप जो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द स्पीसीज। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, रेगुलर 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा, जब यहाँ पर क्लासिफिकेशन शुरू किया जाता है तो उसकी शुरुआत होती है यहाँ पर किंगडम से, होते होते यहाँ पर जो है यहाँ पर आखिरी में जीनस आता है और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जो स्पीसीज आता है। तो क्या है जेनेटिक वेरिएशन ऑफ अ स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन, जीनस के अंदर जो भी वेरिएशन आएगा, जीन्स के अंदर यहाँ पर जो भी वेरिएशन पाए जाते हैं
दैट कंडीशन इज कॉल्ड ए जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंजेस इन द जेनेटिक कंडीशन, जीन्स के अंदर, यहाँ पर जीनस के अंदर जो भी चेंजेस यहाँ पर पाए जाएंगे किसी भी स्पेसीज के जेनेटिक वेरिएशन को जो है हम यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे. और उसकी एग्जांपल यहाँ पर कई एग्जांपल दी गई है. राउल्फिया सर्पेंटिना ये एक मेडिसिनल प्लांट है. राउल्फिया सर्पेंटिना जिसको हम यहाँ पर उर्दू में सारपगंध कहते हैं या इसको जो है सर्पगंधा भी कहा जाता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया सर्पेंटिना. तो यहां पर ये जो राउल्फिया सर्पेंटिना जो मेडिसिनल प्लांट है दैट शो वेरिएशन, दैट शो डाइवर्सिटी इन देयर केमिकल नेचर. पूरे वर्ल्ड के अंदर राउल्फिया सर्पेंटिना एक मेडिसिनल प्लांट है लेकिन वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर जो ये राउल्फिया सर्पेंटिना ये प्लांट बॉडी जब यहां पर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो ऐसी सूरत में जब उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो वर्ल्ड में अलग अलग एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट. वो केमिकल अलग अलग होते हैं ड्यू टू चेंज इन देयर केमिकल नेचर. तो हम कह सकते हैं कि राउल्फिया है और इसके अंदर यहां पर देखा जाए जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट इन दैट, अलग अलग किस्म के केमिकल उसके अंदर जो है यहां पर मौजूद होते हैं. तो केमिकल नेचर के बुनियाद पर राउल्फिया सर्पेंटिना के अंदर जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है यहां पर पाई जाती है. फिर उसके बाद बताया गया वर्ल्ड लेवल पर यहां पर देखा जाता है राइस की तकरीबन जो है 50,000 वैरायटी जो है यहां पर पाई जाती है. राइस की 50,000 वैरायटी पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है और हम तो चंद एक नाम जानते हैं इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर. तो यहां पर हमने देखा है दो चार पांच टाइप के हाइब्रिड वैरायटी के नाम वहां पर दिए गए हैं लेकिन राइस गेहूं के बाद व्हीट के बाद सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर यूज होने वाला जो क्रॉप प्लांट है वो राइस है और पूरे वर्ल्ड के अंदर तक में 50,000 वराइटीज़ ऑफ राइस जो है यहाँ पर पाई जाते हैं. और तीसरी एग्जांपल है 1,000 वराइटीज़ ऑफ मैंगो. वर्ल्ड लेवल पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं हम दो चार पाँच टाइप के मैंगो को हम जानते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा मौसम है, सीज़न बहुत अच्छा है, बहुत सारे आम मैंगो की वराइटी दिख रही है लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 1,000 वराइटीज ऑफ मैंगो दैट हैव बीन प्रेजेंट. तो इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं सब मैंगो ही हैं लेकिन उनके अंदर अलग अलग नेचर की वजह से उसके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है. तो यहां पर 1,000 वराइटी मैंगो की है, तमाम राइस हैं लेकिन उसके अंदर तक में 50,000 वराइटी मौजूद है, तमाम के तमाम राउल्फिया सर्पेंटिना है लेकिन यहां पर जो उसके अंदर केमिकल्स यहां पर अलग अलग पाए जाते हैं. तो पहली टाइप यहां पर जो पाई जाती है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी. दूसरी टाइप यहां पर जो मौजूद है वो है स्पेसीज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी सीन एट स्पेसीज लेवल, यहां पर जीनस के लेवल पर डाइवर्सिटी दिखाई गई थी. अब यहां पर जो रहेगा डाइवर्सिटी यानी यहां पर चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व एट स्पेसीज लेवल. स्पेसीज लेवल पर यहां पर पहुंचने के बाद अगर डाइवर्सिटी का ऑब्जर्वेशन होता है तो उसको कहा जाएगा यानी इंडिविजुअल, यानी एक सिंगल प्लांट बॉडी है उसके अंदर यहां पर अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं जीनस सेम रहेगा, स्पेसीज अलग अलग पाई जाती हैं जैसे रोजा रोज प्लांट बॉडी है, कलर ऑफ द फ्लावर अलग अलग होने की वजह से उनके अंदर स्पेसीज अलग अलग यहां पर रहेगी. सब जितने भी गुलाब हैं जितने भी रोजेज हैं उनका जीनस एक रहेगा रोजा. अब उसके बाद ड्यू टू चेंज इन द कलर ऑफ द फ्लावर उनकी स्पेसीज अलग अलग पाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी. स्पेसीज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एट स्पेसीज लेवल उसको जो यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी कहा जाएगा. लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस ऑफ वेस्टर्न घाट, हमारे यहाँ पर इंडिया में वेस्टर्न घाट का जो इलाका है वहाँ पर जो एम्फीबियंस जो यहाँ पर जल थलिए पाए जाते हैं, फ्रॉग वगैरह जो यहाँ पर टोड वगैरह जो पाए जाते हैं उसके अंदर वास्ट वैरायटी वहाँ पर जो उसका ऑब्जर्वेशन किया गया है. यानी हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी का मेन सेंटर है. तो ये देखा गया कि वहाँ पर जो एम्फीबियंस हैं फ्रॉग टोड और इससे मिलते जुलते जो भी जल थलिए वहाँ पर पाए जाते हैं उसके अंदर बहुत ढेर सारी वराइटीज यहाँ पर वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया वहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन होता है. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये स्पेसीज डाइवर्सिटी है.
तीसरी टाइप यहाँ पर जो होती है एकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग माहौली निज़ाम होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होती है, ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन दे डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द नेचर और ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर माहौल अलग अलग होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चेंजेस पाए जाते हैं उसको कहा जाता है यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग अलग माहौली निज़ाम के ज़रिए से उस इलाके में जो भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम दैट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाएगा। हम देखते हैं हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर एक ऐसी सिचुएशन हमारे इंडिया की, एक ऐसा लोकेशन यहाँ पर मौजूद होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट आर प्रेजेंट ओनली इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत ढेर सारी वराइटीज़ जो हैं यहाँ पर इकोसिस्टम की पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी जब इकोसिस्टम है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अलग अलग बायोडाइवर्सिटी का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया जाता है। इंडिया के अंदर डेजर्ट लैंड भी है, राजस्थान का इलाका पूरा का पूरा जो है डेजर्ट लैंड है, वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर हैं। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी पाए जाते हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर मैंग्रोव मार्शी प्लेसेस होते हैं, दलदली ज़मीन पाई जाती है। उस इलाके में जो पौधे रहेंगे, जब साल भर हमेशा वहाँ पर दलदली ज़मीन रहेगी तो वहाँ पर मैंग्रोव एरियाज रहेंगे, मैंग्रोव प्लांट बॉडी। मैंग्रोव प्लांट ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो यहाँ पर दलदली जगहों पर, मार्शी एरियाज के अंदर, कीचड़ वाली जगहों पर उगते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी तब्दीली यहाँ पर पाई जाएगी। वेट लैंड है, बहुत सारे इलाके वाटर लॉक्ड एरियाज हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी तो हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इन इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे दूसरे इलाकों से, उनके अंदर जो है डाइवर्सिटी पाई जाएगी, डिफरेंसेस पाए जाएंगे, और सच टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस दोज मस्ट बी कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद डाइवर्सिटी की तीन टाइप है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या एग्जाम्पल दी गई उसको ध्यान रखना है, स्पेसीज डाइवर्सिटी उसकी एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, और तीसरा जो है यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है इंडिया है। इंडिया के अंदर बहुत ढेर सारे टाइप के इकोसिस्टम यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो लेक्चर होता है, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी के ऊपर नोट करो क्या डिफिकल्टी आपको पूछना है। थैंक यू वेरी मच।